चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान ने फिर एक बार आईसीसी और बीसीसीआई को धमकी दी है। धमकी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर है, क्योंकि मोहसिन नकवी जो पीसीबी के चेयरमैन है, उन्होंने प्रेस यानी मीडिया को एड्रेस किया और वहां पर चैंपियंस ट्रॉफी जो कि पाकिस्तान में होनी है उसको लेके वार्तालाप की। उनसे जब पूछा गया कि पाकिस्तान में जो चैंपियंस ट्रॉफी होनी है वो हाइब्रिड मॉडल पर होगी या फिर पाकिस्तान में ही होगी, तो उन्होंने बोला कि मैं अभी पॉजिटिव हूँ इस बात को लेकर कि जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो पाकिस्तान में ही खेली जाएगी। और रही बात आईसीसी की, इनडायरेक्ट वे में उन्होंने आईसीसी को टारगेट किया, जय शाह को टारगेट किया कि कोई हमें टफ टाइम नहीं दे सकता, यानी कि आईसीसी ये एक्शन नहीं ले सकती कि चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान से बाहर लेके जाया जाए या फिर हाइब्रिड मॉडल पर ऑपरेट किया जाए। अभी तक यही लग रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी जो होगी वो हाइब्रिड मॉडल पर ऑपरेट होगी, जो भारत के मैचेस हैं वो दुबई में कराए जा सकते हैं, या फिर जो लास्ट ऑप्शन होगा वो ये होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी पूरी ही शिफ्ट हो जाए दुबई में। और इससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगेगा, जो इतनी हवाबाजी पाकिस्तान काफ़ी टाइम से कर रहा है कि पाकिस्तान में ही चैंपियंस ट्रॉफी होगी, हमें रिटर्न में आईसीसी लिख के दे, बीसीसीआई हमें रिटर्न में लिख के दे, आईसीसी जवाब दे, बीसीसीआई जवाब दे, तो ऐसी तमाम चीज़ें पीसीबी की तरफ से चल रही हैं। लेकिन फिलहाल एज ऑफ नाउ पीसीबी के चेयरमैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसमें ये बताया कि हम अपने गोल को यानी अपने टारगेट को अचीव करके ही रहेंगे, हम चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही करा कर रहेंगे। सियासत और खेल को अलग अलग रखना चाहिए, यानी कि मिक्स नहीं करना चाहिए। और आईसीसी के जो मेंबर्स हैं उनको ये अधिकार है कि वो कहीं पे भी करा सकते हैं। हालांकि जो मसला था वो ये बहुत क्लियर था कि भारत जो है वो पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगा।